थांब दादा, दिवे घातलं. आ जाओ सर, आगे आ जाओ. देखो यहाँ पर ये अंदर साइड में मजार है, समाधि है पांच पीर बाबा की. जैसे आपने देखा होगा बॉम्बे में हजी अली हजी मलंग, पूना में शिवापुर में कमर अली दरवेश है, वैसे ही झंझरे के अंदर ये पांच पीर का मजार है. किला बनाने के पहले समंदर के बीच एक बेट था, आइलैंड था, और आइलैंड के ऊपर मच्छी मार लोग रहते थे. उनमें उनका एक मुख्य था जिसका नाम था राजा राम पाटिल. किला बनाने वाले राजा का नाम है सिद्धि जौहर. सिद्धि जौहर नाम के राजा अपने हिंदुस्तान में दो आए. शिवाजी महाराज के टाइम में सिद्धि था वो मुगल था जिसने पनालगढ़ पे बेरा डाला था, और ये सिद्धि जौहर उनके 500 साल पहले का है. इस किले का बांध काम 1118 में स्टार्ट हो गया 1118 में, और 1140 में बनके तैयार हुआ. बनाने के लिए 22 साल लगे और ये 22 एकड़ का एरिया है. यहाँ की हुकूमत कभी राजा ने अपने नाम से नहीं चलाई, ये बाबा के नाम से चलाई. पंजतन पांच पीर रियासत हफसाने जल जीरा, किले का नाम है जल जीरा. रिपीट करके हम लोगों ने कर दिया जंजीरा. तो जंजीरे के कोई मीनिंग नहीं है, जलजीरे का मतलब जल यानी पानी, जीरा यानी बेट. जब लोग किले में रहने के, ये बाबा का फेस्टिवल मनाने के, तो इनके नाम के पांच दिए सुबह शाम इधर लगने के. अभी अपने हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे में अशोक चक्र है, सिद्धि के जमाने में जो फ्लैग लगने का उसका निशान देखो ऊपर, ये लाइन है. अभी हम जैसे जैसे पॉइंट पर जाएंगे हर पॉइंट पे मालूमात मिलेगी आपको, और अगर शेर व शायरी सुनने में इंटरेस्ट है तो हर पॉइंट के ऊपर एक शेर सुनने मिलेगा. पहला शेर आज के नौजवानों के लिए नसीहत, कि जिंदगी में कभी प्यार मत करना, और अगर हो जाए तो इनकार मत करना. निभा सकते हो तो चलना उसकी राह पर, वरना किसी की जिंदगी बर्बाद मत करना.